ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अभी और है टॉपिक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज रुखसार। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आईआईटी जेई एग्जामिनेशन सिलेबस। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था, आपको बताया था कि लाइक जेई का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, लाइक कैसे कैसे उसकी स्कीम्स होती हैं। आज हम उनके सिलेबस पर बात करेंगे, लाइक डिस्कशन होगा सिलेबस, लाइक सिलेबस में क्या क्या कवर करना होता है हमारे सब्जेक्ट्स के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट। सो द जेई मेन सिलेबस, जैसा कि मैंने बताया था, इट्स इज डिफरेंट फॉर पेपर वन, पेपर टू, पेपर टू बी। लाइक वो तीनों के लिए अलग अलग है, जैसे कि क्वेश्चंस अलग अलग पूछे गए जिस जिस पैटर्न में, वैसे ही अलग अलग सिलेबस भी कंटेन करता है जेई मेन। सो जेई मेन का जो सिलेबस है The फर्स्ट पेपर ऑफ जेई मेन एग्जाम 2025 जो है तीन सब्जेक्ट का होता है। पेपर नंबर वन में आपके तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सिलेबस मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर फॉलो होता है। सो मैथमेटिक्स के सिलेबस में लाइक आपके कौन से चैप्टर जो होते हैं वो कंटेन होते हैं इसमें, और लाइक आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के चैप्टर को आपको कवर करना होता है उस एग्जामिनेशन के पर्पस से। सो यूनिट वन इज सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन। लाइक इसके कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना होता है, पहला चैप्टर ये कंटेन करता है। यूनिट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेशन इक्वेशन, आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके इनके एप्लीकेशन फॉर्मूलाज पर लाइक काम करना पड़ता है। इनके एनसीईआरटी से लेके रेफरेंस बुक्स तक आपको कवर अप करना पड़ता है। यूनिट थ्री में आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। यूनिट फोर कंटेन करता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब यूनिट फाइव चैप्टर आपका आता है बायनोमिनल थर्मो थ्योरियम एंड इट्स सैंपल एप्लीकेशन। यूनिट सिक्स इज सीक्वेंस एंड सीरीज। यूनिट सेवन इज लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यूनिट एट आपकी क्या होती है, इंटीग्रल कैलकुलस। यूनिट नाइन इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। यूनिट टेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट इलेवन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। यूनिट ट्वेल्व इज वेक्टर अलजेब्रा एंड यूनिट थर्टीन इज स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यूनिट फोर इज ट्रिग्नोमेट्री। सो लाइक ये आपका मैथ्स का पूरा एक सिलेबस होता है, पैटर्न होता है कि लाइक आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है एग्जाम के लिए। सो ये एग्जाम का लाइक ओवरव्यू नहीं है कि इसमें से ही मतलब यही यही पूछा जाएगा, नहीं, इनके लाइक डीपली आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसके आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये इसका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास लाइक फिजिक्स। अब हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो इसमें क्या क्या लाइक इसमें फिजिक्स में पूछा जाए लाइक कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं चैप्टर के। फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट टू इज काइनेमेटिक्स। यूनिट थ्री इज लॉज एंड मोशन। यूनिट फोर इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। यूनिट फाइव इज रोटेशनल मोशन। यूनिट सिक्स इज ग्रेविटेशन। यूनिट सेवन इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यूनिट एट इज थर्मोडाइनमिक्स। यूनिट नाइन इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यूनिट टेन इज ऑस्किलेशन एंड वेव्स। यूनिट इलेवन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट ट्वेल्व इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट थर्टीन इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यूनिट फोर्टीन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। लाइक ये होते हैं फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर एंड मैटर ऑफ रेडिएशन आपका आता है. सॉरी, यूनिट 18 में आपका एटम्स एंड न्यूक्लियस आता है. यूनिट 19 में आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. यूनिट 20 में आपका एक्सपेरिमेंटल स्किल्स आपके. लाइक इन चैप्टर को, इन टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ता है लाइक बेसिक्स टू एडवांस मेथड में. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैथ्स और फिजिक्स का हमने देख लिया. अब हम देखते हैं केमिस्ट्री का. केमिस्ट्री का जो फिजिक्स का केमिस्ट्री, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है लाइक बेसिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. लाइक थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है केमिस्ट्री का. यूनिट 1 जो है ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री. लाइक आपको बेसिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ता है. एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ता है. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होता है. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपको प्रॉपर पढ़ना होता है. केमिकल काइनेटिक्स, लाइक आपका ये टोटल जो आपका ये हुआ, ये क्या है, बेसिक है ये आपका. ये बेसिक फिजिक्स आपको कवर करनी पड़ती है. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका लाइक क्या क्या कवर होगा चैप्टर्स या टॉपिक्स में. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये आपका होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स. लाइक ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आपके डीएनएफ होते हैं, तो उस ब्लॉक एलिमेंट्स को भी आपको कवर अप करना पड़ता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये आपके टोटल जो हो गए वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड होते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्या क्या इंक्लूड होगा टॉपिक्स, वो होगा प्योरिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स. अब यूनिट 16 क्या है आपकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ये आपका हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अभी और है टॉपिक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. बायोमोलिक्यूल्स, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री. लाइक ये पूरा केमिस्ट्री जो थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है, बेसिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, आपको प्रॉपर कवर अप करना पड़ेगा. क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि आईआईटी जेई जो एग्जाम है वो थोड़ा सा टफेस्ट लेवल का एग्जाम है, जैसे यूपीएससी का होता है. सो आपको लाइक पीसीएम में आपको प्रॉपर बेसिक टू एडवांस रेफरेंस बुक्स के साथ आपको कवर अप करना पड़ेगा इसको. सो लाइक जेई मेन सिलेबस जो हमारा जो पेपर 2 जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो बी आर आर्किटेक्ट है. इसमें जो है तीन सब्जेक्ट तो हमारे इंक्लूड रहते हैं लाइक मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ड्रॉइंग टेस्ट. अब इसमें जैसे हमने पेपर 1 का लाइक हमने जो पढ़ा मैथ्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस एंड आपका मैंने फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा बताया टॉपिक्स को, वो तो रहेंगे. लेकिन द सिलेबस फॉर रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट इज गिवन बिलो. लाइक आपके एक सेकेंड, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का नहीं, सिर्फ मैथ्स का इसमें पूछा जा रहा है ना, मैथ्स के मैथ्स का और एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ड्राइंग टेस्ट आपके तीन है ये, मैथ्स, एप्टीट्यूड और आपकी हो गई है ड्राइंग. तो इन तीनों के, मैथ्स का तो आपको वही सेम रहेगा जो कि मैंने पेपर 1 के लिए जो आपको बताया जितना भी. अब एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट का हम देखते हैं सिलेबस, इसमें से लाइक सिलेबस उसका कैसे कवर होता है या क्या क्या आता है. एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका लाइक यूनिट 1 में आपका क्या कंटेन होगा, अवेयरनेस ऑफ पर्संस, बिल्डिंग्स एंड मटेरियल्स. इसके बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के पर्पस से, आपको ये सिलेबस में कवर अप करना पड़ता है. यूनिट 2 में आपके 3 डायमेंशनल परसेप्शंस होते हैं, ओके. एंड ड्रॉइंग टेस्ट में जो भी आपको पेन एंड पेपर टेस्ट पे लाइक आपको बनाना होगा 50-50 मार्क्स के 100 मार्क्स का जो टोटल होता है, उसमें आपके सीन्स एंड एक्टिविटीज फॉर्म होती हैं, जैसे अर्बन स्केप, लैंडस्केप एंड रूरल लाइफ के ऊपर आपको
सिनेरियो बेस्ड या फिर सीन्स के बेस पे आपको ड्राइंग टेस्ट को वो कंडक्ट करना होता है या देना होता है वो टेस्ट। अब मैं बात करूं जेई मेन सिलेबस फॉर पेपर नंबर 2 व्हिच इज बी प्लानिंग। अब इस पेपर के लिए सिलेबस जो होता है वो जो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, जो अभी मैंने बताया एप्टीट्यूड टेस्ट ये वाला, और जो भी हमारा ये मैथ्स का टेस्ट था, ये दोनों तो रहेगा ही, लेकिन अब इसमें बी प्लानिंग में जो ऐड होगा वो हमारा होगा एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मैथमेटिक्स का तो सेम रहेगा, लेकिन अब जो रिमेन्स द सेम एज इट इज फॉर पेपर 2A, द सिलेबस फॉर थर्ड सब्जेक्ट ऑफ दिस पेपर इज एज फॉलोज। ठीक है, इसमें प्लानिंग का सिर्फ ऐड हो जाएगा, लाइक मैथ्स का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का आपका सेम रहेगा सिलेबस जो कि मैंने आपको पहले बताया। अब जो है ये प्लानिंग भी जो आपका क्वेश्चन जो आएगा वो 3 यूनिट पर है, इसको डिवाइड किया गया है जनरल अवेयरनेस, सोशल साइंस एंड थिंकिंग स्किल पर ये क्वेश्चंस आते हैं इसके प्लानिंग बेस्ड में। सो लाइक ये रहता है आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर सिलेबस वाइज कि आपका बी आर्किटेक्ट में कैसा सिलेबस रहेगा, बी प्लानिंग में आपका कैसा सिलेबस रहेगा, एंड बी ई एंड बी टेक के पेपर्स में कैसा सिलेबस रहेगा। सो ये था पूरा ओवरऑल लाइक ब्रीफली डिस्कशन अबाउट IIT JEE।